फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बात करने वाला हूं लाइन सेगमेंट की। अभी तक हो सकता है कि आप लोगों ने टूल बार में इस लाइन टूल का यूज सिर्फ एक सिंगल लाइन बनाने के लिए यूज किया होगा, लेकिन इस लाइन से आप क्या क्या बना सकते हैं आज मैं बात करता हूँ। आप इन सभी शेप को देख रहे हैं, ये सभी सिर्फ लाइन टूल की मदद से बनाई गई है। तो कैसे बना सकते हैं इन सभी को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से किसी भी टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन होती है। ध्यान रखें कि जब आप लाइन टूल यूज़ करते हैं तो इसमें फिल कलर और स्ट्रोक कलर दोनों कलर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वेट 1 पिक्सल का है, तो अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये 1 पिक्सल की लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। लेकिन अगर इसके वेट को आपने बढ़ा दिया 5 पिक्सल, 10 पिक्सल या 20 पिक्सल्स, तो इसके लाइन मोटी बनेगी इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गियर बॉक्स है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये छोटे से डायलॉग बॉक्स में कई चीज़ें हैं। यहाँ पर एरो हेड्स हैं। अगर आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो एरो हेड्स के साथ ये लाइन बनती है, ये देखिए। और अगर आप इस एंड पॉइंट को यूज़ करेंगे तो एंड पॉइंट पे एरो हेड्स बनेंगे ऐसे। और अगर आप दोनों को चेक कर देते हैं तो दोनों तरफ से एरो हेड्स बनेंगे। और अगर आपने यहाँ पर स्टार्ट में या एंड में किसी एक को यूज़ किया, सपोज हमें एरो हेड्स एंड पॉइंट पर यूज़ करना है, तो मैं स्टार्ट को यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर है विड्थ, लेंथ एंड कनकेविटी। इसका मतलब क्या होता है? विड्थ जो है वो एरो हेड्स के बारे में बताया जा रहा है और लेंथ भी एरो हेड्स के बारे में ही है। और ये जो कनकेविटी है ये भी एरो हेड्स को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इन तीनों का कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। अगर आपने विड्थ को बढ़ाया तो उससे क्या होगा, ये जो एरो हेड्स के विड्थ है उसमें ये बढ़ जाएगा। जैसे मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, ये मैक्सिमम 1000 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं यहाँ से एरो हेड्स बनाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी विड्थ पहले थी वो कम, अब इसकी ये विड्थ ज़्यादा हो गई है। उसी तरह से अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो अभी जो इसकी लेंथ है वो कम है, अगर इसे हमने कर दिया 2000, अब आप देखेंगे कि अभी लेंथ इसकी इतनी है, लेकिन अब अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी लेंथ इससे डबल होगी। ये देखिए, इसकी लेंथ इससे डबल हो गई। तो इस तरह के एरो हेड्स अगर आपको चाहिए तो सिर्फ लाइन टूल की मदद से आप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कनकेविटी की। कनकेविटी कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में। इन सभी को सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से गियर बॉक्स ओपन करें और कनकेविटी अगर मैं बढ़ाऊँगा, सपोज इसे क्लिक करके मैंने बढ़ाया, ये मैक्सिमम 50% तक जा सकता है और मिनिमम -50%। ये ध्यान रखेंगे, लाइन टूल पर मैक्सिमम 50% और मिनिमम 50% हो सकता है। तो मैं इसे मैक्सिमम पहले करता हूँ 50%, और उसके बाद कनकेविटी की मदद से एक एरो बनाते हैं। ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एरो हेड्स बनाए थे उन सभी की ये लाइन बराबर हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये अंदर डेप्थ में चली गई है। इसे ही कहते हैं हम लोग कनकेविटी। और अगर मैं इसे माइनस में कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस में है, मैं इसे इस बार -50% करता हूँ और उसके बाद मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए क्या हुआ, ये पहले 50% अंदर गई थी, अब ये 50% बाहर है, तो ये शेप आपको मिल रहा है। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ हम लोग लाइन टूल की मदद से कैसे इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं फिल कलर और स्ट्रोक कलर इन दोनों के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लाइन टूल यूज कर रहे हैं तो दोनों को कैसे यूज करेंगे। इसकी सेटिंग नॉर्मल 500 रखेंगे और इसको 1000 करके रखेंगे और इसे आप 0% पे करके रखेंगे। ये नॉर्मल सेटिंग्स होती है। और एंड पॉइंट को आप बंद कर दें फिलहाल, और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये फिल कलर है, अगर आपका वेट कम है तो
तो फिल कलर और स्ट्रोक कलर में ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे सबसे पहले मैं कम करके दिखाता हूँ, 1 पिक्सल हमने किया और एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और इस बार मैं करता हूँ इसे 10 पिक्सल और हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे दोनों में कोई फर्क नहीं है, कंप्लीट कलर फिल है, लेकिन इस बार मैं फिल कलर को यहाँ से बंद करता हूँ और स्ट्रोक कलर को ऑन करते हैं, कोई भी कलर, सपोज मैंने ब्लू रखा, और इसके पॉइंट को कम कर देते हैं 1, और इस बार मैं वेट को 10 रखता हूँ और उसके बाद 1, तो 10 पे पहले बनाते हैं, उसके बाद देखिएगा क्या फ़र्क होता है। ये देखिए, ये लाइन बनी ज़रूर लेकिन स्ट्रोक से फिल हुई है, इसलिए सिर्फ स्ट्रोक की लाइन दिख रही है, फिल कलर नहीं है। तो आप लाइन सेगमेंट टूल से इस तरह के लाइंस बना सकते हैं। अगर इसके वेट को मैं कर दूं 50 पिक्सल और उसके बाद अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं कि कैसी लाइन बनती है। जैसे आप शेप टूल से बनाते हैं किसी लाइन को, उस तरह की लाइन बन सकती है। तो नॉर्मली इस तरह की ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन में, तो आप लाइन सेगमेंट टूल की मदद से भी आप ये बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे इंडियन फ्लैग के अशोक चक्र को आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे आप कैसे बनाएंगे। नॉर्मली मैं यहाँ से फिल कलर रखूँगा ब्लू, स्ट्रोक कलर को बंद कर देते हैं और यहाँ से मैं वेट को कर देता हूँ 5 पिक्सल्स और उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को चेक कर देते हैं और उसके बाद मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर दिया, पिवट पॉइंट सेंटर में है, मैं इसे मूव करूँगा कितना, 15 डिग्री, यहाँ पर फिल कर देते हैं 15 डिग्री, ये देखिए, और ओके कर देते हैं। अब उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और टी प्रेस करूंगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग जो परेशान हो रहे थे कि इंडियन फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसे कैसे बनाया जाए, तो इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि और कोई हो सकता है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, लाइन सेगमेंट टूल का प्रॉपर यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक लाइन सेगमेंट टूल के बारे में हमने बताया, आप लोगों को शायद ये अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने इसे पहली बार देखा है तो आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।